वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी ऐसा है कि यहाँ पे आज होली है, तो आप सभी को हैप्पी होली। और हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ी होली जलने वाली है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। मम्मी जा रही है और सोनल भी आ रही है और मैं भी जा रहा हूँ, तो नीचे जा रहे हैं। और यहाँ पे मैच भी चल रही है IPL, तो चलो अभी नीचे जाते हैं और मस्त एंजॉय करते हैं। जो कि होली के लिए हम चढ़ाने वाले नारियल और ये सब पूरम पोली, पापड़, भजिया, आमटी, राइस और ये जो भी कुछ है, अभी इतना सारा बता नहीं सकता। चलो नीचे जाते हैं, नीचे माहौल देखते कैसा है। क्राउड होने वाला नीचे बहुत ज़्यादा, नीचे पूरे सोसाइटी के लोग आने वाले, तो बहुत सारा क्राउड होने ही वाला है। और यहाँ पे देखिए हमारे सोसाइटी के लोग खड़े हैं, जैसे कि प्रदीप और बहुत सारे लोग हैं। सोसाइटी के बहुत सारे लोग नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे होली जलाई गई है, तो होली की पूजा करने के लिए तो धीरे धीरे लोग आ ही रहे हैं यहाँ पे। तो मैं नीचे आया था, मम्मी और सोनल नीचे से आ रहे हैं। अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे और दर्शन करेंगे होली का, क्योंकि बहुत सारा क्राउड है, इसके वजह से हम आगे नहीं गए थे। अभी हम जाएंगे थोड़ा सा नज़दीक और प्रसाद चढ़ाएंगे और उसके बाद प्रणाम करेंगे। तो मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, मस्त बढ़िया से गाने बज रहे और ऊपर मैच भी चल रहा है, तो अभी ड्रीम इलेवन की घंटी भी बज गई है। तो अभी हमारा नंबर लग गया है दर्शन करने के लिए, अभी हम दर्शन करेंगे और उसके बाद ऊपर जाएंगे, मस्त मैच देखेंगे। मैंने अभी दर्शन लिया, सोनल और वो आ गए वहीं पे अभी। और ये देखिए ये मेरे पीछे, आप इसको पहचान के, येलो भी आया है, येलो ने भी दर्शन लिया। अभी हम खाना खाएंगे और कल बहुत बड़ा प्लान है कलर खेलने का, तो कलर कल खेलेंगे, बहुत मजा आने वाला है। एंड तक देखिए व्लॉग, और सोसाइटी में पूरा इंतजाम किया है कलर का भी। मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात की मैच चल रही है और ये भाई साहब बहुत बड़े फैन है मुंबई इंडियंस के, और अभी पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है कुछ आइडिया? मुंबई जीतना है, वो कह रहा है कि मुंबई जीतने वाला है, बट मैं कह रहा हूँ कि मुंबई हारने वाली है। और आज है होली। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज हम यहाँ से सोच रहे कि पानी नीचे कैसे जाएगा, होली है तो होली मनानी पड़ेगी। चलो और यहाँ पे कुछ बड़े अंशु के साथ होली खेल रहे हैं, और यहाँ पे एक छोटा बच्चा है हमारे सोसाइटी का प्रदीप, जो कि होली खेल रहा है। यहाँ से तो कलर लगाना स्टार्ट हुआ है, ये तो सिर्फ हमारे विंक है, आगे बहुत सारा शोर होने वाला है और बहुत बड़ी धूमधाम से होली हम खेलने वाले हैं। अरे रे रे, हैप्पी होली। हल्क बन चुके हैं हम, हल्क। जो भी बंदा बिना कलर के दिख रहा है उसको पकड़ पकड़ के, पकड़ पकड़ के कलर लगा रहे। और ये जब छोटे थे तब भी बहुत होता था और अभी भी बहुत हो रहा है। हम लोग चना खा रहे हैं। तूफानी से होली चल रही है, कलर बिलर सब, अभी आगे जाने के लिए डर लग रहा है। हम अभी तक ज्यादा भीगे नहीं है, यहाँ पे पानी का बरसात हो रही है। सुशील भाव, ओ सुशील भाव। बहुत सारा कलर लोगों को लगाया, हमने भी लगाया, और अभी स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग हैं, तो स्विमिंग पूल में हम मजा करें। सब स्विमिंग पूल में गए, गांधी, जयेश, सॉरी जयेश नहीं, सुशील एंजॉय कर रहे। इलू भी आ गए उसके बाद, इलू स्विमिंग पूल फुल हो गया है। अभी सुशील और गणेश जी वन टू, यहाँ पे फंस गए वन टू, शाबाश, बहुत पेट को लगा है पानी बहुत ज्यादा। यहाँ पे इलू और हर्षल, वहाँ पे यहाँ इसके आगे बहुत सारा डीजे चल रहा है, मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स और लोग नाच रहे, और यहाँ पे हम स्विमिंग पूल में मजा कर रहे हैं। ये देखो इलू ने जंप किया। और बता इलू कस का है? तो
सुसु मत करो, सुसु मत करो। बहुत सारे लोगों ने की होगी। हमें स्विमिंग पूल में जाना नहीं था क्योंकि पानी खराब हो जाएगा इसलिए, लेकिन हमारे पहले बहुत सारे लोग स्विमिंग पूल में जाकर ऊपर आए थे तो हमने सोचा हम क्यों नहीं, तो हम भी चले गए। तो जो भी कोई होली खेलने के लिए नीचे नहीं आया था तो ये सब बंदे उनके घर पे गए थे उनको बाहर बुलाने के लिए, और बाहर बुलाकर क्या हाल होने वाला था वो आप आगे देख ही लीजिए। कुछ कुछ बंदे तो डोरे ओपन नहीं कर रहे थे बहुत बार बजाने के बाद भी। हैप्पी होली। वैभव का शर्ट फाटने के बाद हम गए हर्षद सर के यहाँ पे। शाबाश। जो जो नीचे नहीं आया था उनके घर पे हम जा रहे थे, लोगों के दरवाजे खटखटा रहे थे लेकिन किसी ने हमें भाव नहीं दिया, किसी ने भी डोर ओपन नहीं किया, फिर भी हम अपनी कोशिश जारी रखते हुए हर किसी के डोर खटखटाते हुए, बट नो नो लक। चला 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 बस थोली खेली, कलर खेला, स्विमिंग पूल में डुबकी मारी, और उसके बाद अभी खाने का प्रोग्राम है तो खाने के लिए आए हम स्पेशल स्पेशल होटल में, संदीप होटल में, वहाँ पे मिलता है मटन। तो अभी सुशील जी और हम बहुत सारे लोग हैं, ये भी है बंदा, खाना वाना खाकर आए, और अभी एक नींद भी हुई है, थोड़ा खाने का ब्लॉग नहीं दिखाया, खाने का शूट नहीं किया, और अभी बस बाहर बैठे। तो चलो मैं इस ब्लॉग को एंड कर देता हूँ, बाय।